केरेडारी थाना क्षेत्र में एनटीपीसी चट्टी बरियातू कोल माइन के जमीन अधिग्रहण के कार्य में गड़बड़ी देखते हुए ग्रामीणों में असंतोष की भावना है, जिसके कारण ग्रामीणों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। एनटीपीसी चट्टी बरियातू कोल माइंस वन भूमि पर एनटीपीसी के वर्करों के द्वारा जमीन का सर्वे किया जा रहा है। झाड़ी काटने एवं लैंड मार्किंग का कार्य किया जा रहा था। अगर एनटीपीसी कंपनी को वन भूमि का पौधों को काटने का परमिशन दिया गया है, वृक्षों की देखभाल एवं पौधे कट जाने से पूरी वातावरण दूषित हो रही है, जिसकी जानकारी विस्थापित रैयतों ने एकत्रित होकर कंपनी पर आरोप लगाया कि भूमि का मुआवजा भुगतान बाकी है। रैयतों को विस्थापन के पुनर्वास नीति के तहत मिलने वाली सुविधाएं नहीं दी गई है। साथ ही कंपनी के द्वारा बिना किसी वार्ता के अपनी मनमर्जी तरीके से कार्य कर रही हैं। यहां तक कि एनटीपीसी अधिकारियों के द्वारा अपने वर्करों को गुमराह करके कार्य करवाया जाता है। कुछ दलाल वर्ग के लोगों से मिलीभगत कर कंपनी जमीन देने वाले रैयतों को शारीरिक व मानसिक तनाव देने का कार्य करती है। एनटीपीसी के इस रवैये से पूरे रैयत एवं विस्थापित प्रभावित समिति चट्टी बरियातू इसका घोर विरोध कर रही है। विरोध करने वालों में सुंदर गुप्ता, विनोद नायक, प्रेम रंजन पासवान चौहान, राम अभिमन्यु गुप्ता, कुलदीप साहब, प्रदीप साव, मनोज गुप्ता, कन्हाई माली एवं पूरे ग्रामीण उपस्थित थे। संवाददाता केरेडारी से ज्ञान कुमार पासवान की रिपोर्ट। आज चट्टी बरियातू कोलमेंस में झाड़ी काटने का काम किया जा रहा है, जो ग्रामीणों के लिए चुनौती का प्रतीक है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? चट्टी बरियातू कोयल माइंस में आज मुझे सूचना मिली कि वहाँ जो है सो झाड़ी काटने का काम चल रहा है। हमने तुरंत ग्रामीणों को लेकर स्पॉट पर गया और देखा कि झाड़ी दोनों तरफ से काटकर झंडा और उसका सीमांकन और कलरिंग किया गया है। ये इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। आज एनटीपीसी कंपनी पूरे ग्रामीणों के लिए चुनौती का विषय बना है, और चुनौती का विषय ये है कि बिना वार्ता किए कंपनी कार्य कर रही है, इसमें ग्रामीणों को कोई भनक नहीं, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? इसका पुरजोर निंदा हम करते हैं, और ये भी बोलते हैं कि जब कभी भी हमसे एनटीपीसी के बड़े बड़े अधिकारी से बातचीत हुआ, हमने हमेशा ये प्रस्ताव रखा है कि आप ग्रामीणों से समन्वय बनाकर ही कोई काम कीजिए, और एक कदम आप चलें और एक कदम ग्रामीण चलेंगे, जिससे कि दोनों में संपर्क बना रहे और चट्टी कोल ब्लॉक यदि खुले भी तो बहुत मज़ेदार से। एनटीपीसी का हम लोग को जो भूरैयत है, जो हम लोग के रहती ज़मीन है, उसको रास्ता पास कर रहा है, आँख मूंद के कहाँ कहाँ बिचौलिया दलाल के बुला रहा है, और हम लोग बेरोजगार है, यहाँ की जनता बेरोजगार है, अभी तक समस्या सोल्व नहीं है, बढ़ोतरी पैसा भी नहीं मिल रहा है, सारा कंपनी की लोग के आँख तो आँख अंधा करके कंपनी खुला दे वैसा बात नहीं। हमें प्रशासन से सहयोग मांगते हैं, प्रशासन अपना निर्णय अच्छा जनता से सहयोग करके हम लोग के दिए विचारधारा करे, और कंपनी के उच्च अधिकारी के हम लोग जनता रैयत कहते हैं कि आप आके बैठक करवा के निर्णय दीजिए, और हम लोग तब बनेंगे, ना तो हम लोग एनटीपीसी का विरोध करते हैं। आज एनटीपीसी कोल कंपनी जो झाड़ी काटने काम किए हैं, आप वहाँ एक पदाधिकारी हैं, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको जानकारी थी इसके विषय में? मैं पिलर साफ करने के उद्देश्य से वहाँ लेबर सिर्फ दो दिन खोजे हम, इसके सिवा कुछ नहीं जानते। लेकिन वो पिलर का सफाई नहीं हुई है, वो रोड लेवल का काम किया जा रहा है, उसमें क्या कहेंगे आप? नहीं, वो सब के बारे में हम कुछ नहीं जानते। आपसे गुमराह किया गया कंपनी की ओर से? नहीं नहीं, गुमराह नहीं, जानकारी नहीं था हमको कुछ। अभी तो यहीं पे जोरदार में। आपको क्या जानकारी थी? जानकारी था पिलर साफ कराना है। लेकिन वहाँ रोड का कार्य किया जा रहा है, उसमें क्या कहेंगे आप? वो जानकारी नहीं था।